7 हो गए सर, कलर आने चालू हो गए यहाँ पे। ओ माय गॉड, पेज इंडिया। आज हमारी एक फ्रेंड बता रही थी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये गिरेगा, तो सीधे सर्किट पे गिर गया। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अबॉट कहाँ लगा है? अबॉट टू टू सर, ये वाला स्टॉक नहीं उठा सकते, कहाँ कितना लगने जाएंगे इसको? यहाँ पे क्यों पीछे खाली नहीं है ना इसमें? आइडिया में मैं ट्रेडिंग करता नहीं, ऐसे आते नहीं अपने को। अडानी साहब भी अभी इसके अंदर है, नहीं है। कोटक बैंक भी नहीं है इसके पीछे। मुझे यहाँ पे कोई कैंडल नहीं चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं चाहिए। अब M&M को देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये 1% के आसपास है। एनीवेज लेट्स कीप दिस इन द लिस्ट। देखते हैं इसका क्या होगा। परसिस्टेंट थोड़ा अच्छा है, ये भी अच्छा है वेदांता, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कम से कम 1% के ऊपर हो तो मजा आता है, ये तो 1% भी नहीं है। भी देखा जा सकता है, नहीं 138 ऑलरेडी यहाँ पे आके रुक जाएगा ये इन पेट्रो। नहीं, एक बार यहाँ पे मार के आ चुके ऊपर। वर्लपूल देख सकते हैं सर, वर्लपूल अच्छा है। ये भी बाल कृष्ण इंडस्ट्री, हाँ ये ऊपर निकल रहा है, इसको देख सकते हैं सर। आप लोग पहली बात तो फ्यूचर में मत लेना, फ्यूचर थोड़ा रिस्की होगा। अगर आपको देखना ही है तो या तो 10 10 12 12 ऐसे कुछ मतलब छोटे मोटे स्टॉक्स ले लेना, अगर लेना चाहो तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है सर, अब मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करूँ। एमिनेंट था और क्या था, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट बाल कृष्णा इंडस्ट्री। बाल कृष्णा में ना मजा गया इसमें, आस्ट्रल। बाकी सर दो आप लोग ट्रैक कीजिएगा, ये चार में कर। बाल कृष्णा मैडम, परसिस्टेंट, वर्लपूल। अरे वर्लपूल का तो फ्यूचर नहीं है, तो मैं ठीक है सर, इसको फटाफट मैं डे में डालता हूँ, पहले यहाँ डाल देते हैं।
मैंने जो छोड़े ना वो ले आप लीजिए, आप उस पर कीजिएगा सेम चीज। तो परसिस्टेंट में देखिए उतना मजा नहीं है क्योंकि पीछे कुछ तो है इसमें दिल का, बट जस्ट फॉर टेस्टिंग फेज आज करते हैं इसको। ये देखिए बालकृष्ण ज्यादा अच्छा है क्योंकि बालकृष्ण के पीछे कुछ भी नहीं है। और एस्टल भी अच्छा है क्योंकि वो भी उसके पीछे भी कुछ नहीं है। ठीक है सर, ये हमारा हो गया 9:13 तक सेटअप हो गया। अभी इसको वापस 3 मिनट में जाके चेक करते हैं शोल पे है। इसका यहीं पे लगा हुआ है, सेकंड कंडीशन 2 है M&M के अंदर कि इसका जो डे है क्या 25, 3 मिनट को डे समझ के लगा दिया था बट कोई बात नहीं। ठीक है, इसका यहाँ पे बना हुआ है। मैंने कहा था कि लास्ट डे में अगर त्रिशूल बन जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। ये इसका भी बहुत पहले से ही चल रहा है यहाँ से, ये भी ठीक है। इसका भी पुराना ही चल रहा है, ये भी ठीक है, वेरी गुड। और इसका इसका भी पुराने दिन से चल रहा है, तो स्टॉक्स अच्छे हैं। एस्ट्रल ज्यादा अच्छा रहेगा, बालकृष्ण भी अच्छा है। अभी मैं इसको डाल देता हूँ 1 मिनट पे सो दैट कि हम देखते हैं एंट्री कहाँ पे मिलती है। परसिस्टेंट भागा ऊपर, वेरी गुड। सॉरी परसिस्टेंट नहीं, हाँ परसिस्टेंट भागा ऊपर, बालकृष्ण भी आ रहे हैं। परसिस्टेंट अच्छा है, अभी 1 मिनट का ऊपर जब जाएगा तब देखेंगे इसको। जो इस तरीके से हो जाते हैं ना सर, ओपन क्या बोलते हैं इसको, ओपन हाई, वो तो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, उसका सीन थोड़ा बिगड़ जाते हैं। तो इसमें मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी देखिए नीचे आ गया, ये डे के ऊपर है, यहाँ पे है, इसके थोड़े अच्छे स्वभाव लग रहे हैं असिस्टेंट के। वॉच लिस्ट में है ये, बाकी ये तीनों अभी ढंग से नहीं काम कर रहे। कल या एक दिन में इस चक्कर में फंस गया था, यहाँ पे लिया था तो फंस गया था। हमको सर प्रीवियस डे हाई देखना है ना, प्रीवियस डे हाई देखना है। ओके बालकृष्ण में तो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है, देखते हैं कहां से वापस आ गई है।
परसिस्टेंट की प्रॉब्लम क्या है कि इसको ले भी लो ना, इक्विटी में तो ठीक है ये, लेकिन फ्यूचर में ना इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं होता, लिक्विडिटी कम होती है इसके अंदर। बट ये अगर ये वाला हाई तोड़ेगा तो मैं एंट्री इसमें लूंगा और ये मेरा एसएल रहेगा, या तो 24 रखूंगा या इस पर रखूंगा। वॉल्यूम्स बहुत ही कम है परसिस्टेंट में, क्या करें, छोड़ दूं क्या? एस्ट्रल शायद जा सकता है सर। तो बोलते हैं इसमें एंट्री बना लिए मैंने एस्ट्रल में 50-54 पे मिली है, एस्ट्रल कह रहा हूँ परसिस्टेंट में 50-54 पे एंट्री मिली है मेरे को। एस्ट्रल नहीं ना, इसमें परसिस्टेंट में और ये एस्ट्रल भी अच्छा लग रहा है। एस्ट्रल इसके ऊपर निकलेगा तो लेंगे। ये तो देखा जाए तो थोड़ा सा खराब सा ही हो गया है बालकृष्ण। एस्ट्रल का भी इसमें वॉल्यूम को तो पंगा है ही है। Anyways, इन दोनों से तो इसके अच्छे आसार है। मैंने भी डे को टेस्ट करके, यूजली टेस्ट करते हैं इनको ना, अब सर यहाँ तक ही देखिए, यहाँ तक ही मेरे को कितना 5-6 हजार रुपए तो यहीं तक ही मिल गए। एक लॉट लिया था मैंने, दो लॉट लिए होते तो मैं इसको बुक कर देता, एक को बुक कर देता, दो लॉट होते तो यहाँ पे बुक कर देता। क्योंकि मेरा सर इनमें कोई टारगेट टारगेट देखेंगे आप? सर ये है ना टारगेट, ये देखिए हो गया है टारगेट। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिया इसका लो का, मैं बोल रहा था कि इसके लो का ऐसा है मेरा, है ना। ये तो उतना तो मिल ही गया है, 1:1 तो हो ही गया है। 38 पॉइंट का मेरा वो था। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है ना सर कि मेरे पास एक ही लॉट है। अब एक क्योंकि 2-2.5 लाख का था, तो अगर मेरे पास इक्विटी होता तो मैं आधा वो करके चलता भी, तो यहाँ पे मैं बुक कर लेता हूँ सर। अच्छा खासा 8-9 हजार रुपये हो गए, करो या छोड़ दो? कर लेना चाहिए सर आप, कर लें, बुक कर लीजिए सर। अरे को डन सर। अभी क्या है देखिए, इसके अंदर वो स्थिति नहीं आई,
अभी यहाँ पे दो लॉट होते तो मजा आता है, अभी ये देगा, अभी इसका जाने का है, अभी ऊपर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना सेशंस में कि पहले कुछ पैसा लॉक कर लो, उसके ऊपर बैठ के बहुत मजा आता है। अगर आपके पास एक भी आपने बुक नहीं किया हुआ और आप ऐसे ही लेके जा रहे हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा एक डर रहता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि भाई थोड़ा सा तो बुक करके छोड़ ही दो। हालांकि ये अब देखिए ये 1 मिनट पे है ना, 1 मिनट पे भी ये रेड लाइन पे नहीं आया, इसका मतलब कि अभी इसमें थोड़ा और दम है, जाएगा। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा लॉट होते, ये मेरे ख्याल से था, ये था सर 1,97,000 का, और मेरे पास जो टोटल इस वाले अकाउंट में रहता है 363 के आसपास रहता है इसमें, तो दो लॉट नहीं आता। अगर ये थोड़ा सा सस्ता होता तो दो लॉट ले लेता इसके। सर एक बात बोलिए, इसमें सर ये मार्जिन जो है वो अगर रहता है तो यू कैन डील, या उसके लिए कैश भी होना जरूरी है? कौन सा मार्जिन सर? सर ये जो आपकी स्क्रीन दिखाई है 363,125 ये आपका अवेलेबल मार्जिन है, राइट? एंड अवेलेबल कैश इज ओनली 16,598, राइट? तो अगर कैश कम हो और मार्जिन हो तो यू कैन डील इन फ्यूचर्स। सर ये जो दो चीजें है ना, ये अलग अलग चीजें होती है। मार्जिन का मतलब है कि आपके पास उतना पैसा है प्ले करने के लिए, वो पैसा जरूरी नहीं है कैश से आए, क्योंकि मैं जितना भी मेरा जो जितना भी मार्जिन है ना, ये यूजली आप क्या करते हो, आप अपने अकाउंट में पैसा डालते हो, आप 16,000 डालोगे तो यहाँ पे 16,000 मार्जिन दिखाते हैं, आप यहाँ 1,00,000 डालोगे आपको 1,00,000 का मार्जिन दिखाएगा। मेरा ये जितना भी मार्जिन है ना, ये मेरा सब प्लस जो स्टॉक्स है उसका मार्जिन है। हाँ वही मैं वही सर मेरे अकाउंट में भी है ना मार्जिन तो पड़ा है, बट आई डोंट हैव अवेलेबल कैश। हाँ तो कोई टेंशन नहीं, मेरा तो ये कई बार बड़ा वो लग, अभी ये 16,000 हो गए, इसको मैं कल पार्शियल विड्रॉ कर लूंगा, ये खरीदूंगा इसका। आज आज इनफैक्ट आज फ्राइडे है ना सर? हाँ इसमें ऐड करूंगा, ये देखिए इसमें ऐड करूंगा आज। मैं यही करता हूँ, वो अपना वीक में जितना मिलता है उतना मिलता है, जब ये मिलना खत्म हो, मतलब अगर जैसे अभी ये वीक पॉजिटिव जा रहा है तो जितना पैसा बचा हुआ है इसके अंदर और ये खरीदूंगा, 100 या और खरीदूंगा, 100 चाहे मैं 5 खरीदू 10 खरीदू, जितना होता है उतना खरीदूंगा। तो मैं यूजली ये मेरा जीरो ही रहता है। मतलब सर इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अवेलेबल कैश बट मार्जिन शुड बी देयर। नो 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 नॉट एट ऑल, यू शुड हैव अ मार्जिन। अरे सर मार्जिन तो पड़ा है, मैं तो कैश नहीं था इसलिए मैं डील ही नहीं कर रहा था। नहीं नहीं मार्जिन अगर आपका पॉजिटिव होगा ना, कैश माइनस नहीं होना चाहिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कैश माइनस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 रुपया भी है ना, तो चाहे यहाँ पे 10,00,000 रुपया आपको ट्रेड नहीं करने देगा। हाँ राइट, कैश अगर पॉजिटिव है तो देन यू कैन ट्रेड। अच्छा कैश पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ कैश पॉजिटिव होना चाहिए। ओके चलिए जी, एस्ट्रल में भी एंट्री बनने की कोशिश हो रही है, देखते हैं। सर हो गई, हो गई, काफी अच्छी हो गई। इसमें भी ले ले एंट्री, थोड़ा नीचे आने दीजिए सर, आई थिंक थोड़ा नीचे आएगा भाई। मुझे क्लोज इसका मजा से, ये 1 मिनट है ना, ओके 3 मिनट में देखते हैं कुछ और बन रहा है क्या। हमेशा ना यहां से आते हैं वापस, ये सबसे प्यारा आते हैं वापस। एक्चुअली क्या रहता है ना सर, ये जो अच्छे वाले शेयर रहते हैं ना, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनके अंदर ना लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। अब नहीं लूंगा सर मैं एंट्री, अब जाने दो, बहुत बढ़ गया अब। हाँ नहीं बहुत नहीं बढ़ गया, वैसी बात नहीं है। मैं क्या मानता हूँ, अभी प्रॉफिट आ गया मेरे पास आज का दिन का, अभी ऑफिस निकलना है मेरे को आधे घंटे में, तो थोड़ी मत्थापच्ची जैसी हो जाएगी, फिर इसके लिए रुकना पड़ेगा। बट अगर आपको देखना है ना, मैं क्या बोलूंगा कि अगर आपको ये टेस्ट करना है ना, आप चाहे एक लॉट से कर लो, एक लॉट कह रहा हूँ, इक्विटी में खरीद लो इसको, एक खरीद लो, दो खरीद लो, काफी है। हमें टेस्ट तो करना है ना, पता लग जाएगा उसका एक बार क्या है। वापस इसको भी 3 मिनट, जब डे हाई के ऊपर रहता है ना ये वाली जो हमने लाइन खींची है, तो अच्छा जाता है। अभी देखिए अगर मैं बालकृष्णा में होता, ये अभी इसने डे नहीं तोड़ा है। कल रिलैक्सो ने मेरे साथ क्या किया था, यही किया था, सेम चीज की थी। और इसमें एमएनएम में क्या डर है मेरे को, कि यहाँ पे ये ओपन हाई बनाया इसने,
तो वो थोड़ा सा डर है। ये एकदम अच्छा स्टॉक था, ये भी गिर गया लेकिन ठीक है, गिरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी भी अच्छी खासी एंट्री सर बनेगी। बनेगी बनेगी सर, लग तो रहा हाँ अब सर मैं वही करता हूँ कि अगर मैं है। बैंक निफ्टी में भी नहीं कर रहा ना, तो कम से कम इसको देखता रहता हूँ, इसके चार्ट देखो, अच्छा इसमें क्या चल रहा है। जी जितना वो कहते हैं ना कि डॉक्टर तभी एक्सपर्ट बनता है जब बहुत सारे ऑपरेशन करता है, और ट्रेडर तभी एक्सपर्ट बनता है जब चार्ट से वो बातें करने लगता है। इतने सारे चार्ट देखो, इतने सारे चार्ट देखो, अगर आप सीरियस हो तो अभी इसको मैं यहाँ अभी भी ले सकते, मतलब ये अभी इसको भी ट्रेल हो रही है, आराम से ट्रेल हो रहा है, देखिए 3 मिनट में भी बहुत बढ़िया जा रहा है, शानदार जा रहा। तो 5,000 निकाल दिए, 6,000 क्या सर, सॉरी रुपेश जी, कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था ना? नहीं नहीं सर, वो इधर मैं बात कर रहा था, सॉरी इधर। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन सर एक ही प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को ना, कि मैं अभी उम्र का तकाजा है, उतना ज्यादा फास्ट नहीं कर पाता जितना होना चाहिए, तो या तो मैं इसको देख पाता हूँ या बैंक निफ्टी को देख पाता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने सुबह से अब देखा, मतलब ये भी ओपन हाई। ओके नो प्रॉब्लम। सर पैसा हर जगह बनता है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, समझने चीजें एक बार समझ में आनी चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ना आपको डरना नहीं है, अगर डर जो डर गया वो घर गया ट्रेडिंग के अंदर। मैं बहुत सारे लोग देखे हैं सर, ये नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आने चाहिए। अब भाई मार्केट अगर चलती ही ऐसे है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? अगर आप यहाँ बैठे हो, इतने लकी हो, लकी क्योंकि आप यहाँ बैठ सकते हो, हर हर चीज यहाँ पकड़ सकते हो, तो आप ऊपर ऊपर जाओगे, लेकिन हम उतने एक्सपर्ट नहीं है, हम यहाँ पे बैठ पाते हैं। मतलब ये एक एक सच है कि हम लोगों को जो एंट्री मिलती है ना, ये देखिए ये स्विंग बोलते हैं, एक ऐसा स्विंग आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसे जाएगा। अब इसको स्विंग बोलते हैं, ये मार्केट का बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कोई कहता है कि मेरे को यहाँ पे एंट्री चाहिए, अब यहाँ पे एंट्री अगर सबको मिल जाए, मेरे को खुद इतनी मतलब कोशिश हम भी करते हैं, कई बार होता है कि हमें यहाँ एंट्री मिलती है। अभी देखिए ये त्रिशूल में ही लास्ट डे का ये ना, यहीं पे एंट्री मिली ना हमें, टॉप पे एंट्री मिली, उसके बाद क्या था, वो नीचे उसने एक स्विंग बनाया छोटा, फिर गया। तो इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, ये जो रिस्क बंदा ले सकता है ना, इसमें क्या कहते हैं, दिलेर बन के खड़ा हो सकता है इस रिस्क के अंदर, उसके देखिए रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल रहा है। तो ट्रेडिंग इज लाइक दिस। पहली कंडक्ट ये जो सर मैंने कल आपको दिखाया था ना, एक और चलो कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, है थोड़ा सा टाइम मेरे पास अभी।
ये तो हमारा ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो में देखिए ये क्या दिखाया इसने, फर्स्ट उसके ऊपर बिकवाली कितनी हुई है -81, तो ये रियल बिकवाली है। अब ये क्यों है, क्योंकि लास्ट डे आपका एक्सपायरी थी तो वहां पे काफी लोगों ने रोल ओवर किया, ये किया वो किया, तो कुछ लोग यहाँ पे रिस्क लेते, तो ये नॉर्मल है, कोई इसमें मुझे नहीं लगा। अभी क्या है, ये होल्ड कर रहा है अपने यहाँ पे बॉटम, लेकिन होल्ड कैसे कर रहा है ये, इस कैंडल पे भी आप देखिए कितनी बड़ी बिकवाली है, ये वाली 9K 8.9K यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे क्या मारा है, एसएल लिया है लोगों का। कल मैंने बताया था ना क्लास में कि अगर इम्बैलेंस हो जाता है वो भी एकदम टॉप मोस्ट, या तो एकदम इस वाली कैंडल पे हो, टॉप मोस्ट पे हो या बॉटम मोस्ट पे हो, तो मैं यूजली वहां पे एक आपका रिस्क बनता है, छोटा सा रिस्क बनता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मारा है उसके बाद वापस लेके जा रहा है। अब ये कहां तक ले जाता है, ये पहला होता है इसका ये वाला कैंडल, जिस कैंडल पे मारा उस कैंडल के ऊपर निकल जाता है कि मतलब रुख बदल गया है, ये एक मैं चीज देखता हूँ। और दूसरा क्या होता है कि अगर इस उसमें ये डे हाई भी तोड़ देगा इसी मस्ती के अंदर तो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स, अगर आप देखोगे कितनी वॉल्यूम्स आ रही है, इसका डेल्टा 1.98 5.9, तो इतना बहुत बड़ा डेल्टा नहीं है, तो इसमें क्या है ना कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता नहीं है। और अगर ये आपको मार्केट प्रोफाइल में दिखाऊं, चीजें देखनी पड़ती है, ये देखिए मार्केट प्रोफाइल ऐसे हमें बता रहा है कि लास्ट प्रोफाइल भी देखनी पड़ती है हमें। तो अभी ये तो खैर पहले आधे घंटे से पहले ये देखने का फायदा नहीं है क्योंकि अभी ये डेवलप हो रही है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये कल की वेल है, कल की वेल के ऊपर ऊपर हम लोग जब तक है ना तब तक हम पॉजिटिव है, मतलब इसने यहां से ये वापस लेके चला गया। बट अगर मैं इसको यहां तक मानता हूँ कि 43608 तक भी जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे हम चाहे तो एक देख सकते थे। अभी ये क्या है ना सर, सिर्फ छोटे छोटे अपने को क्लू देते हैं कि अच्छा क्या क्लू है। अब यहाँ के इसमें देखो, इसमें क्या क्लू मिल रहा है, इसमें ये क्लू मिल रहा है कि ये जो प्राइस है ये तो इसके अंदर ही था, CPR के अंदर था, मैंने अब तक देखा नहीं कहाँ से रिवर्सल आया है। ये सीडी सुन सर, एब्सोल्युटली मतलब इतना प्यारा तरीके से है। और दूसरा आज की ट्रेडिंग कैसी रहेगी, CPR कितना बड़ा है, CPR थोड़ा मिड रेंज है सर, मिड रेंज है, थोड़ा मिड रेंज है, थोड़ा बड़ा ही है, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा ही है, हाँ मतलब मिड। तो इसका मतलब क्या है, आज ज्यादा फड़फड़ाएंगे नहीं, हाँ, या तो ऊपर निकल जाए, यहाँ पे कहीं पे निकल जाए तो ठीक है, अभी जो वेल बन रहा है वो यहाँ के आसपास कहीं पे बन रहा है, तो उसके बाहर निकल जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं ना तो उसके अंदर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, लोकल एंड रिमोट, लोकल एंड एक्सटर्नल। मैं एक मूवी देखी, एक सीरीज देखी थी लॉस्ट करके, उसमें क्या होता है एक जगह रहती है उसके अंदर सारे लोकल्स रहते हैं, और जब इनके ऊपर अटैक होता है तो बाहर से एक्सटर्नल्स आते थे। तो ये भी ना कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए इस रेंज के अंदर आपका ये वेल है, ये इस रेंज के अंदर है, इसके अंदर सारे रिटेलर्स रहते हैं, जो क्या कर सकते हैं, रिटेलर्स यहाँ से यहाँ तो मूव करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंड चाहिए इसको यहाँ से ऊपर लेके जाना उनके बस की बात नहीं होती। तो ये एक्सटर्नल्स क्या बोलते हैं कि भाई तुम करते रहो अपना, यहाँ पे खेलते रहो खेलते रहो, जब तक मैं नहीं आऊंगा जब तक मूव नहीं आएगा, और जब तक मैं नहीं आऊंगा का मतलब क्या है कि वो अपने साथ डेल्टा लेके आता है। इसलिए मैं कहता हूँ इसका एक स्ट्रेटेजी है, अभी आराम से आपको सिखाऊंगा। 40 कदम नहीं है, लेकिन अगर आप इस चार्ट पे देखो ना ऑर्डर फ्लो के अंदर, ये जो डेल्टा है बैंक निफ्टी में, अगर ये जैसे अभी ये डे हाई मैं इसको बोलता हूँ, इसके पीछे बहुत कम वो है, राइट। पहले देख लीजिए कि रेंज है कि नहीं है, अगर रेंज नहीं है ना इसके पीछे, जैसे आज बहुत कम रेंज है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, मान लीजिए इसके ऊपर बहुत कम सौदे हुए हैं, और यहाँ के आसपास जब यहाँ इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है 40800 यहाँ पे, तो 40800 पे लगा लेते हैं, या डे हाई तोड़ता है, डे लो तोड़ता है, कोई एक अच्छा रेजिस्टेंस तोड़ता है, जैसे 40000 तोड़ा, जैसे 40500 तोड़ा,
इस तरीके के लेवल्स जब ये तोड़ता है ना, और ये जो डेल्टा होता है, ये अगर मैं लॉन्ग में जाना चाहता हूं तो 40 के डेल्टा आना चाहिए यहाँ पे। अगर मुझे शॉर्ट में जाना है तो 40 के डेल्टा आना चाहिए। अभी जैसे फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल में कितना डेल्टा आया? 81। दैट इज मींस जितना मुझे चाहिए उससे डबल डेल्टा आए। बट मैं यहाँ पे इसके बाद देखूंगा अगली कैंडल में भी कम से कम उसका जो फर्स्ट कैंडल है, यूजली क्या होना चाहिए ना, जब एक्सटर्नल जुड़ते हैं तो हमें कैसे पता लगता है, वो एक साथ स्वैप करके लेके जाते हैं पूरा वो, ठीक है। अगर मतलब उसको बोलते हैं डेल्टा ना घटता नहीं चाहिए, डेल्टा घटा मतलब स्ट्रेंथ घट गई। तो अगले कैंडल में भी मैं देखूंगा कि कम से कम यहाँ पे 80 है तो 40 तक तो आना चाहिए, 40-50 आना चाहिए। इसके नीचे अगर मैं एक लाइन लगा लूं फिर ये तो इसके अंदर कभी नहीं देखते, जब तो पीछे इतनी भीड़ हो तो इसको नहीं देखते। लेकिन अगर ये वाला कैंडल, इस कैंडल के ये 18 पे आके रुक गया, ठीक है, और ये देखिए -18, मतलब कि गया ही नहीं, सेलर्स इसके बाद थे ही नहीं। यहाँ पे 47K का एक बड़ा ऑर्डर है किसी एक बंदे का, या मतलब एक बंदे का नहीं बट एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे आया, उसमें से अगर ये 40 निकालो 50 निकालो तो ये कितना रह गया, 30 रह गया। यहाँ पे अगर फॉलो अप मिलता है ना तो वो आप हमेशा देखते, कभी भी कोई बड़ा मूव होगा, एक जेन्युइन बड़ा मूव होगा जिसको मैं लेता हूँ वो मैं ये 40 वाले यू नो कैंडल के ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ। उससे कम होगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि भाई फिर ठीक है अपना छोटा मोटा लेके बुक करके साइड में हो जाओ। तो वो मैं बता रहा था कि डेल्टा कितना इम्पोर्टेंट है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। ये आप बोल रहे थे ना कि पीछे की पीछे का जो है वो टोटल क्लियर होना चाहिए, तो वो कितने दिन तक का होना चाहिए? सर जितना ज्यादा होगा ना, देखिए कभी भी ना जब हम ये कंसोलिडेशन वाला वो पढ़ते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बनी हुई है और एक कैंडल जब इसको ब्रेकआउट करती है तब यहाँ पे ये कैंडल ट्रेंड में आती है। चाहे आप रेमको सीमेंट देख लो, चाहे आप अडानी देख लो, उसके चार्ट आप पढ़ के देखिए, सेम चीज बोलते हैं। तो ये जितना ज्यादा होगा इसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, अगर मान लीजिए 2 दिन के भी पहले यहाँ कैंडल है तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, तभी भी चलेगा। अगर मान लीजिए 1 ईयर का है, 1 ईयर तक यहाँ पे आपको कोई कैंडल नहीं दिखता तो इसके चांस है कि 50% 30% तक भी जाएगा, 30-40% तक भी चला जाएगा। लेकिन अगर इसके पीछे एक हफ्ते में कैंडल दिख रही है तो मुझे लगता है कि ये 5-10% जाएगा, बस उतना फर्क पड़ता है। ओके राइट सर, अब हमने वो तो खत्म कर दिया, देखते हैं वहां पे कहाँ पहुंचे। अभी ये जो मैंने लाइन डाल रखी है ये लास्ट डे का हाई है, जो मैंने आपको समझाया था ना उस दिन, इसके ऊपर जब यहाँ पे करेगा ना फिर देखेंगे इसको कि ऑर्डर फ्लो क्या बोलते हैं। इसमें कोई अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, एस्ट्रल में तो नहीं बना सर, परसिस्टेंट अच्छा हो गया, रखा होता तो कितना अच्छा था, बट मैं कभी इसको वो नहीं करता, मतलब कि नहीं लिया तो मेरे को दुख नहीं होता, मेरे को ये पता है कि मैंने अपनी औकात के अनुसार प्रॉफिट बुक किया है। तुमने यहाँ पे कहीं पे किया था ना सर? कैश में अप्रोक्सीमेट 1:1 का ही रेशियो होना चाहिए। आप पहला लॉट तो लेके जाइए 1:1 तक विदाउट एनी डाउट, उसके बाद दूसरा लॉट आपकी मर्जी है, जितना मर्जी कर लीजिए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका। ओके जिसको जितना सुहाता है उतना। अब ये रेड टू ग्रीन तो बन रहा है और यहाँ तोड़ भी रहा है तो ये, लेकिन अगर ये शुरू में तोड़ देता तो वो बताता कि कितना वेग है इसके अंदर, कितना फोर्स है इसके अंदर, बट इसको या कोशिश तो वो थोड़ा सा ना वो कम हो जाता है। और हम लोग क्या है ये, इट इज काइंड ऑफ ट्रेंड राइडर, कि आप ट्रेंड राइड कर रहे हो उसके अंदर, आता है तो एक साथ आना चाहिए। अब ये देखिए इस तरह हम लोग यहाँ पे कहीं पे ना कितना आ रहा है देखिए। खैर एस्ट्रल के लिए 9 के 10 के ऊपर तो रहना ही चाहिए कम से कम, इसने कोशिश बहुत किया लेकिन फेल हो गया। यहाँ पे देखिए ये कोशिश कर रहा है, अभी इतने कम वॉल्यूम वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड हो जाता है। इनफैक्ट
परसिस्टेंट में भी जब मैंने बुक किया है तो मेरे को 5 या 6 पॉइंट नीचे ही मिला है, बट दैट दैट्स ऑल राइट, कोई स्लिपेज तो होगी। अब इसमें कई बार क्या करते हैं ना कि ये अब यहाँ पे जो चीजों को थोड़ा हमसे कम समझते हैं वो बंदे यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, ये देख अब ये क्या करेगा, जहां तक मुझे लग रहा है आई डोंट नो कि थोड़ा और ऊपर ले जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे गिराएगा एक बार। जितने भी जिसने कॉल ली होगी वो बेचारा रोएगा। क्योंकि ये बहुत जल्दी देखिए यहां से नीचे गिरेगा ऐसा मुझे बहुत ही कम लगता है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, सीपीआर नहीं छोड़ता और वाइड सीपीआर वैसे है। टाइम भी बहुत लगेगा सर तोड़ने में, टाइम भी लगेगा एफर्ट भी लगेगा, ऐसे टटपुंजी ये डेल्टा से नहीं टूटता है ऐसे सीपीआर, उसके लिए तो दम लगता है। मैं कई बार सर ऐसे वर्ड्स यूज कर जाता हूँ, मेरी बीवी भी मेरे को बोलती है आप कैसे कैसे बोलते हो, यार अगले को समझ में आना चाहिए मेरा कौन सा, यहाँ पे स्क्रीनिंग थोड़ी हो रही है। तो इस तरीके से अब मैं इसमें भी ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या रहता है ना, ऐसा नहीं है कि 100% अभी जो हमारे रूल्स है मैंने रूल्स के हिसाब से यहाँ पे प्ले किया था तो अच्छा गया। अभी इसमें क्या हो सकता है ना कि मान लीजिए आपने एस्ट्रल में मैंने एंट्री इसमें परसिस्टेंट में एंट्री ली होती है और ये वापस आ जाता तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका तो यू हैव टू बेयर दैट लॉस, वो आएगा तो वो आएगा ही आएगा। बट आपको क्या करना है ना, मैंने जब ये एंट्री ली तो मैंने पहले बता दिया कि भैया मेरा स्टॉप लॉस ये है, बात खत्म, तो 38 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेके ही बैठा हूँ। जब आप स्टॉप लॉस लेके ही बैठोगे तो ही आगे का काम होगा, और जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड आप लो वो ट्रेड चले ही चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट आपके आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं उसको एंट्री लूंगा और वो चलना चाहिए, वो कहते हैं पता नहीं किसी ने तो मेरे को ऐसा बोला था कि हो ना हो आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो बहुत सारे चांस होते कि आपके साथ हो ही अच्छा। अभी ये मैंने अगर ये थी ना पहली कैंडल, अभी इसका असर ये नहीं बनेगा क्योंकि मैंने एंट्री इस पे नहीं ली है, अभी यहाँ पे एंट्री ली है तो इसका असर मैं इसके साथ ट्रेल करूंगा, ये यहाँ पे ट्रेल करूंगा, डेलो पे ट्रेल करूंगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बना है बॉटम, तो यहाँ पे भी मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रेल कर लो। चीजों को सर चीजों को समझना है कि ये दो होता है ना, एक होता है कि किसी ने आपको खिचड़ी बना के दे दी, आपने खिचड़ी खा ली, बात खत्म। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको ये सीखना है कि खिचड़ी बनानी कैसे है। अब आप ये देख रहे हैं ये परसिस्टेंट के अंदर भी ये इसको डेल्टा बार बोलते हैं, ये एक और वो है, ये स्ट्रेंथ दिखा रही है। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से कोई भी यहाँ पे समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि डाइवर्जेंस हो गया। कहते हैं ना सर पैसा बनाना मुश्किल है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे एक बात पता है सर, करने से सब आ जाता है, धीरे धीरे आएगा, कई बार एसएल लगेंगे, मुझसे ज्यादा एसएल तो आप लोगों ने दिए ही नहीं होंगे जितने मैंने दिए अभी तक। सर बहुत देता था मैं, बहुत देता था। बट वही है, वो पार्ट ऑफ द गेम है।
चलिए सर, मुझे क्लोज करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली कहीं जाना है। सोचा था कि आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ, रोज मुश्किल हो जाता है। आप एक कोशिश कीजिए, अगर आप एक साथ चार नहीं कर पाते ना, तो बेशक एक साथ एक कीजिए, एक साथ दो कीजिए। और पहले आप ठीक है वीरेंद्र जी, नो प्रॉब्लम। आप चाहे बेशक एक लीजिए, दो लीजिए, जाता है तो नहीं जाता, अगर हो सके पेपर ट्रेडिंग कीजिए। बट चीज को समझिए, वो कहते हैं कि आपको कम से कम 33 बार ये करना पड़ेगा, तब आपको ये जाके चीजें समझ में आएंगी। मैं करूंगा, मेरे को आ जाएंगी समझ में, मेरे को फायदा नहीं, मेरे को आती है। तो आपको समझने के लिए कम से कम आपको ये इतनी बार करना पड़ेगा कि आपको समझ में आ जाए कि चीजें किस तरीके से चल रही है। हाँ सर, ठीक है सर, तो आज के लिए क्लोज करते हैं। और ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय बाय।